मुंबई में आज सुबह भारी बारिश हुई। हिंदमाता इलाके में पानी भरने से लोगों को काफी दिक्कतें हुई हैं। बारिश के पानी में कई गाड़ियां दनदनाती हुई चल रही थीं, तो कई गाड़ी वाले परेशान हो गए। इस बाइक वाले को ही देख लीजिए, पानी में गाड़ी बंद हो गई और फिर पैदल ही खींचना पड़ा। रोड पर तो इतना पानी हो गया कि डिवाइडर तक नहीं दिख रहा था। लोग किसी तरह अंदाजे से ही गाड़ी निकालते दिखे। हिंद माता के इस बस स्टॉप तक बारिश का पानी भर गया था। हिंद माता के किंग सर्किल इलाके का क्या हाल है वो अब आपको दिखाते हैं। मलाड के इस सब्बे में भरे पानी को जनरेटर चलाकर निकाला जा रहा है। अब तो पानी कम हो चुका है, लेकिन सुबह इससे गुजरना संभव नहीं था। मलाड की बाकी सड़कों का हाल भी ऐसा ही रहा। रोड पर पानी के बीच गाड़ियां गुजरती रही। रविवार होने की वजह से लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं आई। और भिवंडी की बात की जाए तो यहां पानी नाले में जाने की बजाय नाले से बाहर आने लगा। भिवंडी की सड़कें तो पानी से लबालब भर चुकी थी। गटर में जा रहे पानी के शोर को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस रफ्तार से यहाँ बारिश हुई होगी। अब जरा गली से गुजरती इस गाड़ी को देख लीजिए, इसका अगला हिस्सा सड़क से भरे पानी को छू रहा है। इलाके में दुकानें तो बंद थी, लेकिन बारिश का पानी कई दुकानों में भी घुस गया। उधर मालवणी में रोड पर पानी भर गया, जिससे गाड़ी चलाने वाले बेहद परेशान दिखे। मालवणी के मारवे रोड की सूरत तो बिगड़ ही गई। पूरी सड़क पानी से लबालब भरी हुई थी। सुबह करीब 11 बजे की ये तस्वीरें हैं। देखिए कैसे बाइक सवार लोग अपनी गाड़ियों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बारिश इतनी घनघोर हो रही थी कि लोग गाड़ियों की लाइट जलाकर चल रहे थे। बारिश का पानी भरने की वजह से कई लोगों की गाड़ियां भी खराब हो गईं। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर तो पानी इतना भर गया कि घंटों जाम लगा रहा। सड़क से पानी निकालने की ये तस्वीरें मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की हैं। भारी बारिश की वजह से रोड पर कितना पानी जमा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। रोड पर पानी भर जाने की वजह से एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर से सुबह लंबा जाम लग गया। सुबह जो लोग मुंबई से पुणे की ओर जा रहे थे या फिर पुणे से मुंबई आने वाले लोगों को बारिश के बीच घंटों इस जाम में फंसना पड़ा। कई लोगों की आज की छुट्टी जाम में ही बर्बाद हो गई। और ऐसा लग रहा है मानो समंदर किनारे रहने वालों के लिए बारिश आफत बन गई हो। वसई का हाल आपको दिखाते हैं। वसई के इस घर में तो इतना पानी भर गया कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची। आज खाना भी नहीं बना। घर की हालत देखकर ये महिला तो रोने लगी। समुद्र चला देने, पानी घुस लेने घर। ऐसे ही हाल समंदर किनारे घर बनाकर रहने वाले बहुत से परिवार का है। सामान खराब न हो जाए, इसलिए कई घरों में महिलाएं सामान को सुरक्षित करती दिखी। घर से पानी निकालने के लिए लोग कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन बारिश इतनी तेज कि समंदर का पानी भी घर में ही घुस रहा था। उधर मुंबई में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने मछुआरों को समंदर में न जाने की सलाह दी है। बारिश का मौसम मछुआरों के लिए वरदान से कम नहीं होता, क्योंकि मछलियों को पकड़ने में आसानी होती है। लेकिन मुंबई के मछुआरों को अगले कुछ दिन समंदर से दूर रहने की सलाह दी गई है। ऐसा निर्देश भारी बारिश की आशंका को देखते हुए किया गया। ऐसे में कुछ मछुआरों ने तो मुंबई के आसपास की झीलों से मछली पकड़ना शुरू कर दिया। और ताजा जानकारी आपको दे दें, मुंबई में अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच भारी बारिश हुई है। 26 जगहों पर मुंबई में पानी भर गया। बारिश की वजह से 25 पेड़ गिर गए। पानी निकालने के लिए 153 पंप लगाए गए हैं। मुंबई में अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहा। पानी भरने से सेंट्रल रेलवे रूट पर असर पड़ा है। कल परसों भारी बारिश का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। और हाई टाइड की वजह से बारिश का पानी नालों के जरिए समंदर में नहीं जा पाता, उल्टे नालों से समंदर का पानी शहर में आ जाता है, इसलिए ज्यादा परेशानी होती है। आगे भी हाई टाइड की चेतावनी है। उधर गुजरात के वलसाड में बाढ़ में फंसे दो परिवार के लोगों को राहत बचाव दस्ते ने बचाया है।
इसी घर में रहने वाले दो परिवार मवेशियों के साथ फंस गए। वन विभाग की टीम ने इन्हें निकालने के लिए रस्सियों का सहारा लिया और इस तरीके से रेस्क्यू करके सबको सुरक्षित निकाल लिया। वलसाड़ के सरी गांव की तस्वीरें हैं, जहां कल बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ में 15 लोग फंस गए। इनके साथ करीब 25 मवेशी भी थे। कड़ी मशक्कत के बाद सबको इसी तरह से बारी बारी से निकाला गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।